हेलो स्टूडेंट्स, का क्लास नाइन्थ के जो है हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे उद्योग तथा व्यापार। इसके सभी स्वाध्याय के प्रश्नों को आज सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और टीचर्स इसका लाभ उठा सकें। तो ये चैप्टर है, इसमें बहुत सारे उद्योग धंधों के बारे में, भारत के विकास विकसित होने के, जैसे वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, पटसन या जूट उद्योग, हस्तशिल्प, वाहन उद्योग, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई। तो पहला प्रश्न मैं बाद में बताऊंगी, दूसरे प्रश्न से हम आते हैं इसका आंसर बताने के लिए। तो यहाँ पे पाठ की सहायता से संकल्पना चित्र तैयार करना है। क्या दिया है? भारत के उद्योग देना है और भारत का आयात निर्यात करना है। तो भारत के आयात, तो यहाँ पर संकल्पना चित्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत के कौन कौन से उद्योग हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट लेकर इसका आसानी से जो है इस आंसर को भली आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, भारत के उद्योग में खाद्य उद्योग, उत्पादन उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, प्रकृति पर आधारित उद्योग, वाहन उद्योग और अन्य उद्योग दिया है। देखिए, खाद्य उद्योग में कृषि उद्योग, फल उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य उद्योग और दुग्ध व्यवसाय है। ये सब खान पान के उद्योग हैं। कृषि आधारित उद्योग में होता है पटसन का उद्योग, खादी उद्योग और वस्त्र उद्योग, पटसन यानी जूट का उद्योग होता है। उसके बाद प्रकृति पर आधारित है, जैसे खनिज संसाधन, वन संसाधन, रेशम, नमक उद्योग और औषधि उद्योग, ये सारे प्रकृति पर आधारित है। वाहन उद्योग में आते हैं कार, ट्रक आदि उद्योग, ट्रैक्टर उपयोग और साइकिल उपयोग, ठीक है। और अन्य उद्योग में आते हैं पर्यटन, हस्तशिल्प उद्योग, चमड़ा उद्योग, ग्राम उद्योग और सीमेंट उद्योग, ये सारे अन्य में आते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट लेके या इसको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखकर इसका आंसर कर लीजिए। फिर भारत का आयात निर्यात आता है, तो आयात में देख लीजिए, दूसरे देशों से, आयात का मतलब होता है कि दूसरे देशों से भारत में खरीदी की जाती है, मतलब दूसरे कंट्री से हम अपने देश के लिए क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं। यंत्र सामग्री में खनिज तेल खरीदते हैं, खाद, औषधियां, प्रौद्योगिकी और लोहा, ये सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं। और निर्यात में बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी बेचते हैं, कार और ट्रक, ट्रैक्टर, मसाले के पदार्थ, सूती कपड़े, चमड़े और जूते, मोती, मूल्यवान हीरे, सीमेंट। इसके अलावा भी औषधियाँ, मतलब दवाइयाँ, मेडिसिन के क्षेत्र में भी भारत जो है दूसरे देशों में बेचता रहता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, चौखट पूर्ण कीजिए, भारत में आयात होने वाली वस्तुएं और भारत में निर्यात होने वाली वस्तुएं। तो आयात मतलब जो खरीदी जाती हैं और निर्यात यानी कि जो बेची जाती हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे इसमें हो गया खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, औषधियाँ, ये सब आयात होती हैं। मोबाइल, टीवी, यंत्रों के पार्ट्स, लोहा, लैपटॉप, आधुनिक सैनिक सामग्री, लड़ाकू विमान, तोपे, पनडुब्बी, ये सारे आ जाएंगे। और निर्यात में चाय, कॉफ़ी, मसालों के पदार्थ, सूती कपड़े, ये जो तालिका भी आपने देखी, बस वही सारी चीज़ें हैं। फिर आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, दिया है भारत का आंतरिक व्यापार क्या है। तो भारत का आंतरिक व्यापार जो हमारे देश के अंदर ही अंदर खरीदी बेच होती है, वो है निम्न कारखानों और कृषि से तैयार होने वाले उत्पादकों की बिक्री भारत के बाजारों में करना, इसे भारत का आंतरिक व्यापार कहते हैं। दूसरा है, इस आंतरिक व्यापार में कोयला, कपास, सूती कपड़ा, चावल, गेहूं, कच्चा पटसन, लोहा, इस्पात, तिलहन, चीनी, नमक आदि वस्तुओं का समावेश होता है। तीसरा है आंतरिक व्यापार रेल मार्ग, वायु मार्ग तथा सड़कों का के द्वारा। और चौथा है, मुंबई, कोलकाता, कोचीन, चेन्नई बंदरगाहों से आंतरिक व्यापार चलता है। ये एक ही क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है आयात निर्यात, मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए, भारत में पर्यटन उद्योग बढ़ रहा है। तो इसका आंसर देख लीजिए, पर्यटन मतलब कि विदेश के लोग भारत में आए, घूमें और भारत के बारे में जानकारी लें और उनका पैसा भारत में आए, तो ये होता है पर्यटन। तो पहला पॉइंट है, भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न धर्मों के प्रार्थना स्थल और तीर्थस्थल हैं, मतलब हमारे यहाँ मंदिर, पूजा के स्थान, नदियाँ, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, तो लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं। दूसरा है, राजमहल, किले, स्मारक, गुफाएँ, ऐसी ऐतिहासिक वस्तु हैं। चौथा, तीसरा पॉइंट है कि पर्वत, नदियों के संगम व वन, उद्यान, समुद्र तट, ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य के प्रदेश हैं। चौथा है कि ऐसे विविध स्थानों की यात्रा के लिए तरह तरह की सुविधाएं सरकार और निजी व्यवसायियों द्वारा की गई है। इन कारणों से भारत में पर्यटन उद्योग बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि भारतीय जनता के रहन सहन का स्तर सुधर रहा है। तो ये भी देखिए, भारतीय जनता का रहन सहन का स्तर क्यों सुधर रहा है, क्योंकि भारत में प्रतिवर्ष अनेक प्रकार के उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं। दूसरा, भारतीय वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिक्री हो रही है। तीसरा, आधुनिक पद्धतियों और यांत्रिक औजारों द्वारा खेती की जाने के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। और लास्ट पॉइंट है, कृषि और औद्योगिक विकास के कारण रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इन सभी कारणों से भारतीय जनता के रहन सहन का स्तर सुधर रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं।
देखिए यहाँ पर दिया है कि 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखना है। पहला, कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कौन कौन से प्रयत्न कर रही है। तो इसका आंसर देखिए बहुत बड़ा है, आप 4 से 5 पॉइंट याद करेंगे तो भी चलेगा। कृषि व्यवसाय के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रयत्न कर रही है। पहला पॉइंट देख लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों और सहकारी संस्थाओं द्वारा किसान को कर्ज दिया जा रहा है। दूसरा है, कृषि संबंधी सुधारों के लिए किसानों को पंचायत समिति द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषि शहर और किसान सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों को कृषि औजार, बीज और खादें उचित मूल्य पर दी जाती हैं। कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार सेवा विभाग द्वारा किसानों को मृदा परीक्षण, फलोद्यान, नर्सरी, मत्स्य व्यवसाय, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय भैंस पालन, दुग्ध व्यवसाय आदि के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। 6 पॉइंट है, जिला व्यवसाय मार्गदर्शन संस्थाओं द्वारा भी मार्गदर्शन किया जाता है। उत्पादित माल के भंडारण हेतु गोदाम बनाने के लिए सरकार आर्थिक सहायता देती है। और लास्ट है कि फसल बीमा संरक्षण, उत्पादित माल की खरीदी आदि विषयों पर सरकार की सहायता करती है। तो इसमें से आप 5 से 6 पॉइंट याद कर लीजिए जो छोटे छोटे आपको लगते हैं, आप इसको एग्जाम में वही लिखेंगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है, पर्यटन के क्षेत्र में नागरिकों के लिए रोजगार कैसे निर्मित होता है। पर्यटन, यहाँ पर देखिए पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या दिया है कि पर्यटन के क्षेत्र के स्थानों पर अनेक पर्यटकों के आने जाने के कारण स्थानीय नागरिकों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। दूसरा, होटल, लॉज, फल सब्जी विक्रेता आदि को रोजगार मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, तीसरा है कि पर्यटन स्थल पर पर्यटकों को ले जाने के लिए रिक्शा वालों, टैक्सी वालों, घोड़े वालों आदि को रोजगार मिलता है। कलात्मक वस्तुओं की दुकानें लगती हैं। और पांचवा है, पर्यटन स्थल की जानकारी देने के लिए मार्गदर्शक के रूप में रोजगार उपलब्ध होता है, मतलब जो गाइड करते हैं उनको। तो ये हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न इसी में दिया है कि पर्यटन क्षेत्र में नागरिकों के लिए हो गया। तीसरा है कि भारत में वन संसाधन पर आधारित कौन कौन से व्यवसाय चलते हैं। तो देखिए भारत में वन संसाधन पर आधारित स्क्रीन पर देख लीजिए ये कौन कौन से व्यवसाय हैं। भारत में संसाधन निम्नलिखित व्यवसाय हैं, माचिस, लकड़ी, वस्तुएं तैयार करने के उद्योग, कागज, अखबारी कागज, दफ्ती आदि बनाने के उद्योग। तीसरा, रेशम, शहद, लाख, रंग काम के लिए आवश्यक कच्चा माल तैयार करने वाले व्यवसाय। चौथा, औषधि, वनस्पतियों से औषधि तैयार करने वाले व्यवसाय। पांचवा, इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी आदि के व्यवसाय भी चलते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कम से कम 3 पॉइंट आपको याद करना है किसी भी चीज़ का। फिर चौकट पूर्ण कीजिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसका आंसर दिखाया था, एक बार फिर से इसको स्क्रीन पर देख लीजिए। इसके बाद मैं पहले प्रश्न पर आती हूँ। यहाँ पर ये है इसका आंसर, स्क्रीनशॉट लेके इसके आंसर को आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहाँ पहला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। पहला क्या दिया, वर्ष 1948 में डैश उद्देश्य की भारतीय औद्योगिकी वित्त निगम की स्थापना हुई। तो अ दिया औद्योगिक क्षेत्र का अधिक विकास, ब औद्योगिक परियोजनाओं के दीर्घ अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवा देना। यही आंसर ब वाला राइट है, बाकी की आंसर रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि भारत के उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। तो कौन से उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है, वाहन, ये ब वाला आंसर राइट होगा। तीसरा है, वस्त्रोद्योग समिति का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसमें क्या, कपड़ा उत्पादन करना, वस्त्रों की गुणवत्ता निश्चित करना, ब वाला सही होगा, बाकी के आंसर जो है रॉन्ग है, ये राइट होगा। साइकिल उत्पादन में भारत का प्रमुख शहर कौन सा है, तो यहाँ पे ब वाला आंसर लुधियाना, पंजाब में जो है ये जो है प्रमुख है। इसके बाद विसंगत जोड़ी पहचानी है। विसंगत जोड़ी में क्या दिया है, भारतीय उद्योग की वित्त औद्योगिक वित्त निगम, ये वाला नहीं है। औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना, ये वाला। वस्त्रोद्योग समिति, बुनकरों का कल्याण करना, ये वाला जो है विसंगत है, बाकी के सारे ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।